न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। तारीख को रेवाड़ी नगर निकाय के चुनाव है और उसको लेकर सतीश यादव के साथ आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी उपमा यादव ये चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरह चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि निकाय चुनाव में वो किस तरह क्या क्या जनता के लिए करेंगे। बात करेंगे हम सतीश यादव से। सतीश यादव जी, ये बताइए कि आप नगर निकाय के चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है उपमा यादव वो चुनाव लड़ रही है, तो आपके मन में क्यों विचार आया कि नगर निकाय चेयरमैन का चुनाव लड़ा जाए? संजय जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। मैं 3 बार का प्रधान रहा हूँ, 1 बार जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ और 2 चुनाव में एज 1 बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और 1 बार इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ा। जनता के काम और जनता की भावनाओं को मैं बखूबी समझता हूँ और रेवाड़ी का विकास कैसे हो ये बार बार मैंने अपने जहन में भी कुछ चीजें सेट की। कभी परमात्मा कुछ मौका दे तो हम इस रेवाड़ी के लिए क्या कर सकते हैं, जिसका एक बहुत पुराना इतिहास है, जिसकी एक बहुत पुरानी पहचान है। अनेक लोग कहते हैं चुनाव में कि इसको चंडीगढ़ और पेरिस बनाएंगे और मेरा हमेशा इस बात पे जोर रहा है कि हम इसको रेवाड़ी का जो खोया हुआ जो सम्मान है वो इसको वापिस लौटाएंगे। उसी कड़ी में इस रेवाड़ी शहर की, इस रेवाड़ी के जो नाम की उसकी महत्ता के बारे में आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी रेवती नगरी, दाऊ जी की, बलराम जी की ससुराल, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई की, आपकी पहली गौशाला आपके कतुपुर में, रात उलाराम की फ्रीडम फाइटर पहले, और सबसे बड़ी बात हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनको हेमू बक्काल के नाम से जाना जाता है, जो वैश्य समाज से संबंध रखने वाले महान योद्धा, जिनकी यहां हवेली कतुपुर में भी, अगर पानीपत की लड़ाई में हिंदुस्तान का इतिहास 400 साल पीछे चला गया हिंदुस्तान उस बात से, भारतवर्ष की, अगर उस लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू बक्काल जी की आंख में तीर नहीं लगता, वो हाथी से नहीं गिरते और अकबर से उस युद्ध नहीं हारते तो आज भारत का इतिहास अलग होता, आज भारत की पहचान अलग होती। तो वो हमारा ये नगरी है, ये वीरों की बहादुरों की नगरी है और ये दस्तकार जो कलाकार आपके हमारे यहाँ इसकी पीतल नगरी के नाम से, ब्रास सिटी के नाम से इस रेवाड़ी की पहचान रही और उस पहचान दिलाने में मेरे कसहरा समाज छठेरे भाई, उन्होंने छोटे 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 अपने औजारों से लेकर जिस तरह की बेल फूल पत्तियां बनाई और पूरे विश्व के मानचित्र पे रेवाड़ी को पहचान दिलाई। पुराना इतिहास अगर देखेंगे आप तो आज भी लोको शेड यहाँ है और उससे पहले यहाँ एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होता था, सबसे बड़ा ये व्यापारिक केंद्र था जयपुर और दिल्ली के बीच में, और धीरे धीरे करके सुकड़ता चला गया। आज सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, हमारे नौजवानों की जान जा चुकी, हमारी बहन बेटी जब मंदिर या कहीं बाजार जाना चाहती है, कोई और कहीं निकल के कोई काम पे जाना चाहती है तो उनको डर लगता है ना जाने किधर से कोई आवारा सांड आए और उनको रोनता हुआ चला जाए, डर लगता है सड़कों पर, हमारे बच्चों को खुद डर लगता है, मुझे खुद को स्वयं पर डर लगता है और बार बार उन पशुओं को पकड़ा जाता है, फिर वो 4 दिन बाद वहीं दिखाई देते हैं क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है कि उन्हीं को वापिस छोड़ दिया जाता है, एक बार उसका टेंडर छोड़ के पैसे कहना के गोलमाल और घोटाला कर लिया जाता है। आज सबसे बड़ा इश्यू तो है इसकी रेवाड़ी का आवारा पशुओं से निजात दिलाना। कमेटी में हर साल एक भ्रष्टाचार का जिन बाहर आता है, 1000 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी 5 साल का और रेवाड़ी शहर इतना ही दयनीय स्थिति में है जितना इस रेवाड़ी के हल्के के जिले के अनेक गांव इस शहर से बढ़िया बेहतर स्थिति में, वहां ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। यहाँ गलियों में सड़ान मारता, बदबू मारता कूड़ा, कूड़ा निस्तारण की जगह बनाई तो वहां अगर आप हाईवे पर चले जाओगे तो उसमें आग की लपटें दिखाई देगी जो पूरे वातावरण को प्रदूषित और पॉल्यूशन में करती हुई नजर आएगी। आपको हर जगह नालियां बंद मिलेगी। कमेटी में जाओगे तो छोटे छोटे कामों के लिए आपको अनेक नेताओं के चक्कर लगाओ या अपने उनकी बाबुओं की जेब गर्म करो, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक रोड को जिसकी जरूरत है उसको तीन, जिसकी जरूरत नहीं है उसको 3 बार बनाएंगे। जो जरूरतमंद है, हमारे यहाँ पीछे जैन सभा है, उस जैन सभा में जाके देखिए म्युनिसिपल लिमिट में है उसकी हालात क्या, आप एक बार अपना वहां विजिट वहां भी मारिए और वहां देखिए हालात क्या। अनेक जो भारी कॉलोनियां हैं, चाहे अजय नगर हो, चाहे आपके राम सिंहपुरा हो, आप इनमें सब कहीं अगर जाएंगे, विकास नगर शहर की अंदर की भी व्यवस्था आप देखेंगे, सफाई की और उन सब वो चरमराई हुई है। और इतना पैसा आने के बाद भी इस शहर की हालात क्यों है, मेरे शहर की इतनी भारी बुरी हालात क्यों है, ये कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कमेटी इसमें नाकाम रही है। म्युनिसिपल कमेटी का जो कोई चेयरमैन है वो खाली म्युनिसिपल कमेटी का आप ये कहो कि छोटी सी का ही नहीं, वो इस शहर की जान है। अगर म्युनिसिपल कमेटी ठीक ढंग से काम करे तो किसी बड़े नेता के जाने की जरूरत नहीं है। और रही टिकट और पार्टी की बात,
तो हम जनता के द्वार जा रहे हैं, जनता क्या फैसला करेगी ये हम 13 तारीख को डिसाइड करेंगे। हमने 11 बजे का आपके यहाँ मीटिंग बुलाई हुई है कोणसवास रोड पे सूरज वाटिका में, और वहां जिस तरह से साथियों का मत आएगा, भाइयों का मत आएगा, उस पे निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। अगर उनकी इच्छा शक्ति हुई कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए तो हम चुनाव में जाएंगे, अगर उन्होंने कहा भाई नहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। विषय चुनाव लड़ने का नहीं है, विषय इस शहर को किस तरह से हम इन सब बीमारियों से निजात दिलाएं, किस तरह से कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, पारदर्शिता लाएं, पैसा जो एक बार जहां लगे वो ठीक ढंग से लगे, वो कम से कम उस पैसे का ठीक यूटिलाइजेशन हो, और हर गरीब और हर प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। चाहे रेहड़ी वालों की मेरे भाइयों की समस्या है, चाहे बाजार की और कोई जो समस्या है, इन समस्याओं का परमानेंट निराकरण कैसे हो। एक दिन कर दिया आज रेहड़ी वाला, उधर से इधर कर दिया कल, उधर से डंडे मारे उधर कर दिया, तो वो नहीं, उनका परमानेंट समाधान कैसे हो, वो सारी मेरे दिमाग में एक रोड मैप है, दिमाग में काम करने की एक भावना है कि हम प्रत्येक आदमी को जो शहर उम्मीद कर रहा है, पहली बार लोगों को मौका मिल रहा है डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का, और इससे पहले तो हम चेयरमैन चुनते ही नहीं थे, नगर परिषद परिषद के मेंबर चुनते थे, वो चेयरमैन चुनते थे, और इस बार जो चेयरमैन चुना जाएगा जनता के द्वारा उसकी खुद की जिम्मेवारी रहेगी, और वो कम से कम किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, उसको 5 साल तक काम करने का अवसर मिलेगा, उसको अपनी कुर्सी का खतरा नहीं रहेगा कि मुझे कोई हटा देगा, क्योंकि सीधा जनता ने चुना है, तो उसकी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करे, हम मनसा इसी से आए हैं कि मेरा, मैं भी इस शहर का बासिंदा हूं, मैंने भी शहर में 40-45 साल हो गए, 3-4-5 साल के जब कभी थे तब गांव से यहां शहर में आए थे, मेरा भी इस शहर के लिए कल्पना है कि मैं इस शहर को चंडीगढ़ और पेरिस नहीं बनाऊं, अपने सपनों का शहर कम से कम रेवाड़ी, जो इसका पुराना इतिहास है, उस तरह का इसको रेवाड़ी शहर बनाए, साफ सुथरा बनाए। आप सबका सहयोग लें और समर्थन। ये अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सतीश जी, आप ये बताइए कि जिस तरह नगर परिषद पिछले काफी सालों से एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उस पर हावी रहा है, तो आपके पास ऐसी क्या प्लानिंग है कि आप भ्रष्टाचार युक्त शासन और प्रशासन दे पाएंगे? देखिए साहब, जो मेन सीट पे बैठता है वो चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं अपनी छोटी सी बात करूं, जिला परिषद का चेयरमैन और वकीलों का अध्यक्ष रहा, मैंने अपनी जो मेरी संस्था रही मैंने वहां 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। आज मैं यहां भी कह रहा हूं कि जो इस सीट की मेन सीट पर बैठेगा मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये महिला रिजर्व है, अगर मेरी धर्मपत्नी को मौका मिले वो बैठेगी तो निश्चित तौर पे वो मेरे से ही राजनीति से प्रेरणा ले रही है, वो मेरे को ही देख के चल रही है, तो वो एक बात हम जरूर उनको कहेंगे और वो करेंगी कि जो ये बंदरबाट पैसे की होती है, जो कमीशन खोरी है, ये नहीं होनी चाहिए। और कमेटी में मैं एक बात और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जब भी नेताओं के घर पे भीड़ है समझ लो सिस्टम में गड़बड़ है, और नेताओं के घर पे भीड़ नहीं है तो समझो पारदर्शिता से शासन और प्रशासन काम कर रहा है। और जब आपके पास छोटा सा किसी का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अगर वो कोई चेयरमैन के पास जा रहा है, इसका मतलब जो बाबू बैठे वो नकारा है। आप अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ देख के आए, उसका मुझे भी नहीं पता लगे तो उसका मैं क्या करूं, लेकिन अगर कमेटी में वहां हमें बैठने का मौका मिला तो अगर कोई 1 रुपए की रिश्वत मांग ले तो उसके जिम्मेवार हमें। 5 साल में आप जनता के सामने कोई चीजें छुपी नहीं होती, 5 साल में आपको रिजल्ट और फर्क नजर आएगा, आपको ये शहर चलता हुआ नजर आएगा, आपको ये शहर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा कि कोई ऐसे व्यक्ति आए या कोई ऐसे महिला इस सीट पे आके बैठी जिसने शहर का गौरव बढ़ाया। और जो गरिमा पद की होती है, पद कोई छोटा और बड़ा नहीं है, उस पर बैठने वाला व्यक्ति अगर उसकी गरिमा रखे तो उस पद को, छोटे पद को बहुत बड़ा कर सकता है। सतीश भाई ये बताइए कि जिस तरह कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ रही है, अपने कैंडिडेट को उतार रही है, भाजपा भी सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है, तो आप अपना मुकाबला मेन किससे मांग रहे हैं? वैसे मुकाबला हम किसी से नहीं मांग रहे, हम किसी से लड़ भी नहीं रहे, ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अगर किसी को करनी है तो इस शहर के विकास की करनी है, इस शहर को हम अव्वल कैसे करें इस बात की करनी है। और रही बात ये, हम ना भाजपा को कोसना चाहते ना हम कांग्रेस की कमियां निकालना चाहते। मैं कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस के बहुत बड़े जैसे लीडर हैं, इसी तरह से बहुत बड़े जो डॉक्टर होते हैं, हमारे यहाँ कोई घर में कोई बीमार हो जाए या मुझे कोई तकलीफ हो जाए तो हम कई बार मेडिसिटी या एम्स तक जाते हैं, और वहां कोई इलाज, कोई पथरी का या कोई और हमारा पेट चीर के ऑपरेशन जब होता है तो कई बार डॉक्टर से एक मानवीय चूक हो जाती है, वो कई बार बैंडेज और कहीं सीजर कैची अंदर छोड़ देता है, फिर जब यहाँ आते रेवाड़ी तो पता लगता है पेट में दर्द है, तो हम जाके ब्रास मार्केट में या कहीं जाके वो कराते हैं अल्ट्रासाउंड, तो पता लगता है डॉक्टर साहब जो बड़े डॉक्टर थे मेडिसिटी के या एम्स के या आर्टेमिस के जो भी हो, बड़े हॉस्पिटल किसी का नाम भी कोई नाराज हो चाहे जयपुर के चाहे कहीं भी जो है, वो वहां जाके वो बताते हैं साहब डॉक्टर साहब से चूक हो गई, तो वो उसमें दिखते हैं रेवाड़ी का छोटा सा डॉक्टर जिसका
छोटा सा एक चीरा लगा के उस कैंची को और सीजर को बाहर निकाल देते हैं और वो उसका उनका दर्द ठीक हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनसे वो चूक हो रही है, इनको रेवाड़ी शहर दिखाई नहीं देता क्योंकि इनको बड़ा विजन है, इनको पूरा इलाका देखना है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख, मुझे अपना शहर दिखाई देता है कि मैं इस शहर को कैसे सुंदर बनाऊं। सतीश जी, एक फैक्टर वो सामने आ रहा है, पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास। तो क्या आपको लगता है कि रणधीर कापड़ीवास आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी के 44 वार्ड पे उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, रणधीर कापड़ीवास जी मेरे बड़े भाई हैं और वो राजनीतिक आदमी है, उनको राजनीति में कैसे उनका फैसला वो देखेंगे कि उनको राजनीति में किस तरह से लाभ है, मैं उनके बारे में क्या कहूं। वो खुद मुझसे ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा चुनाव लड़े, मेरे पिताजी से बड़ी उम्र के, और हमारा उनका एक पारिवारिक नाता है। पीछे जो चुनाव था मैं किसके साथ था सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। और मैं जहां रहता हूं वहां क्लियर कट रहता हूं, मैं कभी दोगली बातें नहीं करता कि यहां भी हूं वहां भी हूं। मैं जहां जिसके साथ हूं उसके साथ उसका सिपाही बन के हूं, उसका साथी बन के हूं, नहीं हूं तो मैं उसके साथ नहीं हूं। और मैं जबरदस्ती ऐसी लाइन में भी खड़ा नहीं होता जाके जहां मेरा कहीं सम्मान ना हो। बात सम्मान की और अपने विकास की है कि हमने रेवाड़ी का सम्मान भी बहाल कराना है और रेवाड़ी में विकास भी कराना है। भाई रणधीर सिंह अपनी सोच के साथ चल रहे होंगे, उनको अपना छोटा भाई नजर आएगा तो निश्चित तौर पे मेरी मदद करेंगे। और बाकी अगर वो उनका कोई राजनीतिक, उनको खुद को भी अपनी राजनीति देखनी है और वो क्या करेंगे वो उनसे आप ज्यादा पूछे तो बेहतर रहेगा। मेरे लिए वो मेरे पिता से बड़े हैं तो उनके लिए मैं तो क्या कहूँ, आप उनसे अगर पूछे ज्यादा बेहतर रहेगा कि अपने छोटे भाई को कैसे संभालोगे। तो मतलब ये माना जाए कि जिस तरह आपने विधानसभा चुनाव में रणधीर कापड़ीवास जी की मदद की थी, आप उनके साथ थे, तो अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में आप उनका समर्थन चाहेंगे और हो सकता है वो आपको समर्थन दे भी रहे हैं। समर्थन हम सबका चाहेंगे, जब चुनाव लड़ा जाता है तो सबका साथ चाहिए और रणधीर सिंह तो एक बहुत बड़ा नाम है। हमें तो प्रत्येक आदमी का समर्थन चाहिए जो हमारी विचारधारा से मेल खाता हो, जो इस शहर में विकास कराने की सोच रखता हो। रणधीर सिंह भाई ने भी खूब कमेटी में प्रयास भी किया, उनके कार्यकाल में कुछ काम भी हुए और उनकी भी सोच है, हमारी भी सोच है कि हम इस रेवाड़ी को ठीक बनाएं। समर्थन हम सबका चाहेंगे, अब समर्थन देने वाले की मर्जी है वो साथ दे या ना दे। तो ये थे हमारे साथ सतीश यादव, जिनकी धर्मपत्नी उपमा यादव निकाय चुनाव चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगी रेवाड़ी से निर्दलीय। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगी और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि 27 तारीख को आने वाले चुनाव में ये जीत दर्ज करें। बाकी 30 तारीख को समीकरण कैसे बनते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। रेवाड़ी से न्यूज वाइज के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कोशी।